पुलिस वालों की हत्याओं का रहस्य सुलझाने के लिए पुलिस अधिकारी युद्ध स्तर पर इस मुहिम में जुट गए हैं। इस रहस्यमय घटना को अंजाम देने वाले कातिल का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। रात को पेट्रोलिंग के वक्त पकड़े गए छिटपुट घटना को अंजाम देने वाले गुंडों से भी पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। इन घटनाओं को अंजाम देने वाले कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस वालों के नेतृत्व में एक अलग दल का गठन किया गया है। पुलिस वाले को मारकर तू बचेगा नहीं। अरे तुझे पता ही नहीं, खून किए बिना मैं रह ही नहीं सकता। समझ ले तेरा भी अंत आ गया है। अरे वो यमदूत भी मेरे पास आने से डरता है, तो भला कोई आदमी मेरा क्या कर लेगा हा? तुझे खत्म करने के लिए भी भगवान ने किसी ना किसी को तो बनाया ही होगा। जाओ सूर्या, मुझे पता है कि तुम इन लोहे जैसे हाथों से इन सारी ईंटों के टुकड़े कर सकते हो, पर तुम्हें वो सातवीं ईंट तोड़नी है। दूसरी और कोई भी ईंट नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि कहां वार करने से कहां असर होगा इस कला का रहस्य तुम जान चुके हो। सूर्या,
जो कला मैंने सिखाई है उसे अपने अंदर छुपाओ मत। इस कला से लोगों का भला होना चाहिए, उनके काम आनी चाहिए। 40 लोगों का भला हो, इसके लिए 4 का विनाश गलत नहीं। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैंने मार्शल आर्ट सीख लिया है। इस आर्ट को सीखने के बाद मैं फिल्मों में विलेन का काम करना चाहता हूँ। आप आशीर्वाद देंगे तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी ताकत पर मुझे भरोसा, तुम जरूर कामयाब होगे। पर फिल्मों में जाने से पहले जरा सोच लेना, झूठी तारीफ से लोग धोखा खा जाते हैं। तारीफ इंसान को मदहोश कर देती है, मदहोशी बढ़ जाए तो समझो खत्म। लेकिन तुमने उस मदहोशी में जागे रहने की कला सीखी है। मुझे विश्वास है सूर्या कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं आपका नाम रोशन करने की कोशिश करूंगा। उठो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशनम दीप ज्योति नमस्ते। हमारा कल्याण करो हे गणपति बप्पा। खीर में कितना सारा बादाम डाला है। ये क्या है? बादाम खीर। समझ गई, ये सब करने की क्या जरूरत। अरे मैं नहीं बनाऊंगा तो और कौन बनाएगा? आज उसका जन्मदिन है और वो खीर बहुत पसंद करता है, इसीलिए मैंने खीर बनाई है। जैसा बेटा वैसा बाप। जैसा बेटा वैसा बाप। जाकर तुम देखो सूर्या तैयार है कि नहीं। सूर्या सूर्या जल्दी आ रहे। क्या कहा? क्या हुआ पापा? क्या करते हो तुम भी? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। मैं जानता हूँ पापा। चलो पूजा करके आते हैं। अब जरा रुकिए माँ, इधर आओ ना। क्या? इधर आओ ना माँ। असली भगवान का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो आप लोग ही भगवान है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। जीते रहो बेटा, हमेशा कामयाबी। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें। उठाइए इसे। हमेशा खुश रहो। सूर्या तुम्हारे पापा ने अपने हाथों से बादाम की खीर बनाई है। बहुत अच्छा, मजा आ गया पापा। क्यों नहीं आएगा, तेरे पापा ने शक्कर के बदले सारा प्यार डाला। मेरे पापा का जवाब नहीं। और माँ को? वो तुम पापा से ले लेना। ये क्या था? अरे जब देखो तब प्रैक्टिस करता रहता है, दूसरा काम नहीं है क्या? अगर कुछ हासिल करना हो तो भूख की परवाह नहीं करनी चाहिए। अरे भाई साहब क्या हुआ, भाग क्यों रहे हैं? अरे सूर्य तुझे पता नहीं है क्या, अपने मंदिर में से मूर्ति चोरी करने वालों में से एक पुलिस ने पकड़ लिया है। तो कुछ गुंडे मंदिर से चुराई मूर्ति को वापस मांग रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जिस चोर को पुलिस ने पकड़ा है उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कैद कर लिया है। वो बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं और उसे डॉक्टर के भी मांग कर रहे हैं। पेशाब करने जाना है, जरा खोल दीजिए ना। ठीक है अभी खोल देता हूँ। थैंक यू। तूने ही तो खोलने को कहा था और अभी थूक रही है। बच्चों को बाहर ले जा। मैंने अपने पोते को स्कूल भेजा था, ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ? अरे आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। डॉक्टर नहीं आए तो इन दोनों को उड़ा डालना। बच्चों को कुछ मत करना। अरे उसे मारो मत। Bye.
कोशिश की तो शूट कर दूंगा। चलो चलो। सिर्फ तुमने बच्चों को ही नहीं बचाया बल्कि इस गांव और अपने पापा का भी नाम रोशन किया। सूर्या में सूर्य देखा ठहरा ना कोई जिसके आगे, मन का वो राजा है घर का सितारा है डर जिसके दिल में ना आए, जहाँ वो खड़ा हो कोई टिके नहीं मुड़ के पीछे कभी देखे नहीं, दिल का पक्का दोस्तों का है मीत नंबर वन है कोई शक ही नहीं, चल है भाई का इसकी हर एक अदा, मरते हैं लोग तो इस पे हर कोई फिदा, कोई नहीं है तुझसा कोई नहीं है तुझसा, बात मेरी मान जा कोई नहीं है तुझसा। रुक सके ना कोई इसे सौ के बीच अकेला, जो भी ठाने कर दिखाए करे जो हो किसी से कभी भी ना, कोई अपना पराया नहीं दोस्त माने सब इसको, क्रोध से पर कोई बचे शिव का रूप माने सब इसको, हर जगह है तेरी चर्चा कौन है वो जो तुझको जाने ना, जो बिठाना है करके दिखाया कोई नहीं है तुझसा यारा नहीं है तुझसा, बात मेरी मान जा कोई नहीं है तुझसा। नंबर दम तेरे दाम से बात तेरी है ये निराली, जिंदगी के किसी खेल में तू हारे ना कोई भी बाजी, कदमों में है सारा जहां चाल है जोश भरी, एक यार है यारों का तू अब जान दे तुझ पे सब यारा, देखो ना साई भाई का कातिल इसकी हर एक दा, दिल का है राजा मन का है राजा तू राजाओं से बढ़ के राजा, कोई नहीं है तुझसा कोई नहीं है तुझसा, बात मेरी मान जा कोई नहीं है तुझसा, वीरों में वीर देखा सूर्या में सूर्य देखा ठहरा ना कोई जिसके आगे, मन का वो राजा है घर का सितारा है डर जिसके दिल में ना आए, जहाँ वो खड़ा हो कोई टिके नहीं मुड़ के पीछे कभी देखे नहीं, दिल का पक्का दोस्तों का है मीत नंबर वन है कोई शक ही नहीं, चाइल है भाई का इसकी हर एक अदा, मरते हैं लोग तो इस पे हर कोई फिदा, कोई नहीं है तुझसा कोई नहीं है तुझसा, बात मेरी मान जा कोई नहीं है तुझसा। आइए बैठिए, क्या लेंगे सर? वो सब छोड़िए, सूर्या कहाँ है? ये अचानक सूर्या को बुला रहे हैं। सूर्या आप? नमस्ते सर। आओ सूर्या। सर आपने बहादुर बच्चे को जन्म दिया है, इसने 500 बच्चों की जानें बचाई हैं, इसलिए तमिलनाडु सरकार ने इसे मेडल देने का फैसला किया है। सर आपका बेटा कमाल की फाइट करता है, क्या पंच है क्या किक मारता है। क्यों सूर्या, तुमने फाइट के साथ साथ डिसिप्लिन भी सीखा है ना? क्योंकि तुम्हारे जैसे बहादुर डिसिप्लिन्ड आदमी को पुलिस में होना चाहिए। सर
इसने पढ़ाई पूरी नहीं की है। सर, पुलिस में भर्ती होने के लिए ज्यादा पढ़ाई की नहीं, बस 10वीं पास होना काफी है। मेरे बेटे को ये नौकरी मिल जाएगी क्या? सर, मैं हूं ना। क्यों सूर्या, तुम्हारे क्या विचार हैं? तुम क्या सोच रहे हो? बेटी, सर के लिए चाय या कॉफी तो लेकर आओ। ये लीजिए सर। ठीक हो ना बेटी? सर, मेरी जिंदगी तो गंदे कपड़े और चावल की बोरी उठाने में गुजर रही है। माँ की बात मानकर मैंने किराने दुकान को ही सब कुछ समझ लिया। मेरे बेटे की जिंदगी अच्छी हो, इसलिए सर आप उसे पुलिस में भर्ती करवा दीजिए। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो बहादुर है, उसे पुलिस में शामिल किया जा सकता है, पर उसका चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव है सर, इसलिए उसे पुलिस में भेजने से अच्छा है कि उसे फिल्मों में भेजिए। बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। ये क्या बात हुई सर, कॉफी पीने के बाद आप बात बदल रहे हैं? ऐसा नहीं। अरे सर, मैंने तो सोचा था कि ये आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बनेगा, लेकिन आप भी उसकी तरह फिल्मों की बातें करने लगे। ऐसा नहीं है सर, हम लोगों को भी पुराने लोगों की तरह बच्चों पे अपने विचार नहीं थोपने चाहिए सर। हमें उनकी इच्छा की कद्र करनी चाहिए और अपनी तरफ से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। सूर्या, मैं तुम्हारे मुंबई जाने का इंतजाम कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें एक साल में कामयाब होना होगा। अगर नहीं हो पाए तो तुम्हें पापा की बात माननी होगी। क्यों सर, सही कह रहा हूँ ना? सर, इतने सालों तक इसने आपकी बात मानी है, सिर्फ एक साल के लिए, एक साल के लिए आप इसकी बात मान जाइए। वह खुद का गांव छोड़कर मुंबई में जाकर क्या हासिल कर पाएगा? हाँ सर, जितने भी कामयाब लोग मुंबई में हैं, सभी लोग बाहर से तो आए हुए हैं। क्या सर, मुंबई तो बहुत दूर है, वो वहां अकेले जाकर रहेगा कहां और खाएगा क्या? मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगा। सर, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे उसका नंबर दे दूंगा, ये वहां जाकर उसे मिल लेगा, बाकी वो सब संभाल लेगा। ये यहां से कहीं नहीं जाएगा सर, ये यहां से गया तो सर कहीं नहीं जाएगा। ये तुम्हें समझाओ। सुनिए, आपने अभी कहा ना कि आप माँ की बात मानकर किराना दुकान को ही राजमहल समझकर जी रहे हैं। सूर्या के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सर बोल रहे हैं ना कि उनका चेन्नई में रिश्तेदार रहता है, हम वही बेटे को भेज देंगे। ठीक है जब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो, पर मेरा मन नहीं है इसे मुंबई भेजने का। तू जीत गया। यस। सूर्या, ठीक है? ठीक है सर। अपना ध्यान रखना। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। अब ठीक है। अरे सूर्या तो फिल्मों में काम करेगा। सूर्या फिल्मों में काम करने के लिए जा रहा है। वाह सूर्या, वाह सूर्या। सूर्या तुम इतने होशियार हो, तुम्हें विलन बनने की क्या जरूरत है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। आर्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन थोबड़ा भी तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमें भरोसा है तू जरूर हीरो बनेगा। माँ, मुझे नींद से जगाओ ना। अरे क्या मजाक कर रहा है, तू तो जगा हुआ ही है, फिर तुझे कैसे जगाऊं बेटा? नहीं माँ, वो क्या है ना कि कल मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो रोज सुबह तुम्हें जगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ गांव में तो तुम ही मुझे रोज जगाती हो ना। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, मैं अपने फोन में तुम्हारा वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसके बाद उसका रिंगटोन बना लूंगा। चल जाओ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कराऊंगी। माँ रिकॉर्ड करो ना माँ, प्लीज। क्या है सूर्य, तू क्या तंग कर रहा है? अरे माँ, मैं रोज तुम्हारी आवाज सुनकर उठूंगा तो ऐसा लगेगा भगवान का भजन सुनकर उठ रहा हूँ। मेरी अच्छी माँ, बोलो ना, स्टार्ट करूँ? ओके माँ, रेडी हो? ठीक है, रेडी हो ना? स्टार्ट, टेक एक्शन। सूर्या, सूर्या उठ जा बेटा। सूर्या, माँ बोल रही है, उठ जा ना बेटा, चल जल्दी उठ बेटा। सूर्या आंखें खोल बेटा। बेटा माँ खड़ी है देख, जो सुबह जल्दी उठता है उसे कामयाबी जल्दी मिलती है। चल उठ सूर्या, उठ जा सूर्या, अब उठ भी जाना। सूर्या। हाँ पापा। तुम वहाँ बहुत सावधानी से रहना बेटा। ठीक है पापा। मुंबई में इंसान तो बहुत है, लेकिन अच्छे इंसानों की कमी है ऐसा मैंने सुना है। अगर कुछ बन पाए तो ठीक है,
वरना तुम गांव वापस आ जाना बेटा। मेरी हिम्मत बढ़ाने की बजाय आप तोड़ रहे हैं। चुप रहिए, कुछ भी बोलते रहते हैं। तू जरूर जीतेगा बेटा, पैसे की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, समझ गया? जा। ठीक है माँ, चलता हूँ। बाय बाय भैया। वक्त पर खाना खाना, अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही फोन करना बेटा। पंकज सिंह, राम चौधरी, अबू सुलेमान, रघुवीर पांडे, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? एक गुंडे ने बहुत सारे पुलिस अधिकारियों का कत्ल कर दिया है। वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। जब हम खाकी वर्दी पहनने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो पब्लिक को कैसे सुरक्षा दे पाएंगे? सारे प्रेस मीडिया हमसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। हम क्या करें, किस रास्ते पर जाएं, ये जरूरी नहीं है, उसे पकड़ना जरूरी है। ओके? यस सर। अरे यार, क्या आदमी हो तुम, इस उम्र में लड़की चुमने के बजाय जमीन चुम रहे हो। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी, लगता है गांव से आए हो। किसी भी गांव में पैदा हुए साधारण इंसान को एक बड़ा नेता बनाकर या फिल्म स्टार बनाकर सारी दुनिया में पहचान दिलाने वाली धरती है ये। क्या चाहे खुद न पढ़े हो लेकिन सारी दुनिया को पढ़वाया कामराज जी ने, जिन्हें इंडिया किंग मेकर के नाम से जानती है, ये इस धरती का कमाल है। श्रीमान अन्ना जी ने 70 सालों तक लोगों की सेवा की, वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनकर 50 साल तक विधानसभा में हीरो की तरह रहे। तमिलनाडु के नेता डॉक्टर करुणानिधि को पैदा करने वाली धरती यही है। अपने अपनों की तरह गरीबों का साथ देने वाले नेता, गरीबों के मसीहा, भारत रत्न, क्रांतिकारी नेता MGR को पैदा करने वाली धरती यही है। सभी लोग जिसे प्यार से माँ बुलाते हैं वो क्रांतिकारी जयललिता यही की देन है। डांसरों का डांसर, फाइटरों का फाइटर, रोमांस का किंग, सभी को हिला देने वाला हमारा प्यारा हीरो विजय यही की देन है। और सिर्फ यही नहीं, लोगों के दिलों पर राज करने वाला और सबको हंसाने वाला उस सुपरस्टार रजनीकांत का कमाल दिखाने वाली धरती है ये। तूने तो कमाल ही कर दिया यार, तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने। थैंक यू। इतना रगड़ रहा है, आग लग जाएगी। क्यों मैडम, आपका पति है क्या? नहीं, ऐसा फिर क्यों रगड़ रहा है? गो अवे, नॉनसेंस। आजकल औरतों के लिए कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। आपने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों की वजह से ये देश बचा है। ऊपर वाले की कृपा है। अरे रे रे, आप दिन दहाड़े सोना खुला दिखा रही हैं। कोई चेन खींच ले जाएगा तो। अरे इसको छुपा लीजिए, छुपा लीजिए। हाँ। गो बैक, पीछे जाओ, गो, मुझसे पंगा लेंगे। अरे वो मेरा चेन ले जा रहा है, पकड़ो उसे। तेरी तो ए, रुक जा, कहाँ जा रहा है, रुक जा। मर गया रे। चल चेन निकाल। गांव में तो आदमी औरत के पीछे रहता है, यहाँ औरत आदमी के पीछे है। क्यों रे, दिखने में तो 5 फीट का जवान लगता है, मेहनत करके कमा नहीं सकता? शर्म नहीं आती तुझे? जब तेरी पत्नी को तेरी हरकतों के बारे में पता चलेगा तो खुद कुछ करेगी। प्लीज डोंट टच। क्यों बहन जी, आपको चेन वापस मिल गई ना, फिर क्यों फालतू में मुझ पर हाथ डाल रही हो? मैं डिसन फैमिली से हूँ, दोबारा मुझ पर हाथ डाला तो अंजाम बुरा होगा, समझ गए? मुझे उंगली दिखाता है, क्या समझता है डिसन फैमिली से है, हाँ ऐसा बोलता है। अरे ये तो जूता निकाल रही है। ये ले। अरे यार ये सब क्या कर रही हो, बीच सड़क पर एक टकले आदमी को जूते से मार रही हो, कितनी गलत बात है ये। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ ना, बात मानो यार, सुनती नहीं है। ए, तू कौन है? अरे पार्टनर है क्या? जा अपना काम कर। टेंडुलकर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, भाई से बोलना उन्हें याद किया था, शाम को घर पर आता हूँ, बाय बाय, सी यू। ये क्या, ये तेंदुलकर कह रहा है, भाई कह रहा है, गलती से मैंने चोर को सपोर्ट कर दिया क्या? तुझे तो अरे रे, ये क्या बात हुई, आदमी देखते ही हाथ उठा देती हो क्या, बुरी आदत है। हाथ छोड़, पहले तो किसी को चोरी के लिए भेजते हो और बाद में फंस जाता है तो छुड़ाने आते हो, क्या यही सब काम है तुम्हारा? अरे रे, क्या बोल रही हो, मैं उसे नहीं जानता। दिन दहाड़े चोरी करने वाले गैंग्स तुम लोगों को तो खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, इतना गंदा काम करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लगता है ये तुम्हारा खानदानी पेशा है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या कह रही हो तुम, इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरती से झूठ बोलती हो। चोरी का केस,
इसके बाद ईव टीजिंग का केस। चल मैं तेरी अभी कंप्लेंट कर देती हूँ, चल ना, चल अभी बता। अरे, 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 सुनो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पता चले ये बुला रही है तुमको, कहाँ है? दे दो ना बहन जी, ये लीजिए आपका मंगलसूत्र। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ बहन। रुकिए बहन जी, चलिए हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो लड़का नहीं है मैडम, वो कोई दूसरा था। मुझे कंप्लेन वम्प्लेन के चक्कर में नहीं पड़ना है मैडम, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। आज तेरा वक्त अच्छा है इसीलिए तो बच गया, अगर फिर तू दोबारा दिखाई दिया तो मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। याद रखना रास्कल कहीं का। मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था कि जिसका निचला होंठ मोटा होता है वो शर्मिली होती है, लेकिन ये तो नकचड़ी है। कुछ भी हो टकलू को थैंक्स कहना पड़ेगा। अरे क्या लग रही है यार, और ऐसे देखने के बाद मेरा भी दिल जवान हो जाता है। अरे जरा हटो यार, 6 महीने से इसके इंतजार में हूँ, एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। और इसकी कमर देखने के बाद मेरा भी मन नाचने को करता है यार। अगर उसे पता चला ना तो तेरी कमर तोड़ देगी। ये लो दोस्त। सुनो, क्या तुम्हारा एक्शन आकाश का घर कहाँ है? वहाँ जाकर देख। थैंक्स यार। ए, ये तो हीरो जैसा लगता है रे। विलन जैसा समझे? अरे तो काका, 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 अरे काका, रुको यार, काका, अरे रुको। आकाश का घर कौन सा है? अरे तुम अपना रास्ता देखो। हाँ, वैसे आप लोग यहाँ देख क्या रहे हैं? अरे ये बच्चों को देखने की चीज नहीं है, तू जा यहाँ से, जा, जा, जा। सर, सर। भैया क्रिकेट खेलने के लिए आओ ना। तुम लोग खेलो, मैं बिजी हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चुप है, तुम क्या समझते हो? हाँ, अपने आप को क्या समझते हो तुम? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों रे लफंगे? हाँ, आवारा कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया और तूने मेरे सीने पर हाथ डाला? वहाँ चेन चोरी कर रहा था और यहाँ मेरे घर में डाका डाल रहा है। समझ कर खटखटाया था लेकिन, अरे सब लोग देख रहे हैं, छोड़ दीजिए। कहाँ जाएगा तू? क्या है रे? आकाश का घर ऊपर के माले पे। अरे तो ये बात पहले बतानी चाहिए था ना। अरे मुझे छोड़ दीजिए, सब लोग देख रहे हैं, छोड़। कहाँ भागेगा और यहाँ वापस क्यों आया तू? मेरा बैग छूट गया है, चलता हूँ। अरे ये तो बर्तन उठा उठा के मार रही है, गलत जगह लग गया तो क्या हो जाएगा? सर, सर, कौन है खाने के वक्त तंग कर रहा है? हेलो, मेरा थोबड़ा है। सॉरी भाई, सॉरी। अरे यार ये बताओ तुम कौन हो? मैं झुमरी तलैया से आया हो तो मैं क्या करूँ यार? एक्शन किंग आकाश आप ही है ना? वो मेरा एक चेला है। ओहो, आप गुरु है? हाँ हाँ। असल में मैं सर से मिलना चाहता हूँ। हाँ। मिलना चाहते हो? हाँ हाँ, ठीक है आओ। इसकी 12 बजने वाली है, गांव में सब लड़कियां तो अच्छी है ना? अच्छी है, उनके सैंडल्स भी अच्छे हैं। खिला नाराज हो जाएगा। आकाश भाई, आकाश भाई। हाँ, कहो क्या बात है? आपसे मिलने के लिए कोई आया है? कल मेरे जीजा ने फोन करके बता दिया था। हाँ, मैं थोड़ी देर में खत्म करके आता हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ। बैठिए भाई साहब, अब इनके लिए क्या इंतजाम करूँ? उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करो। ठीक है भाई। यस, चुटकी बजाकर मुझे बुलाया क्यों रे? तो कुछ ज्यादा ही भाव पड़ रहा है। ऐसे ही, ऐसे ही। इसे ले और जाके रख दे वहां। हिंदी में इसे औकात कहते हैं। ठीक है। ए सूर्या, आओ पास में बैठो। कल जीजा जी ने कहा था कि तुम सिर्फ विलेन का काम करना चाहते हो, हीरो का नहीं। क्यों? नहीं भाई, मुझे लगता है मैं विलेन के लिए ही ठीक हूँ। क्या सूर्या, आज के सभी हीरो शुरू में विलेन का काम करके हीरो बन जाते हैं, उसी तरह तुम भी चाहते हो ना? यही बात है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। क्यों पृथ्वीराज, होनी कौन है, इस बारे में कुछ पता चला है कि नहीं? हम लोग उसे एक हफ्ते में जरूर पकड़ लेंगे सर। इस आधार पर तुम ये बात कर रहे हो? इस केस के डिटेल्स इस फाइल में है सर। डिटेल्स को ऐसे ही रहने दो, और इस केस को डील करने के लिए मैंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया है, और इस केस के सिलसिले में आप सब लोग उसे पूरी तरह कोऑपरेट करना। ओके? साहब जी। क्यों रे? मेरे आदमियों को क्या सोचकर मारता है? तो पुलिस वालों को बहुत दिनों से मैंने मारा नहीं है।
क्यों रे, बिना शर्ट पहने ही आया है? पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर आऊंगा तो मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा, ये बात मुझे पता है सर। एक खास खबर थी सर। मुझे पता है, मुझे पकड़ने के लिए स्पेशल ऑफिसर आ रहा है ना। आप ये सब कैसे जानते हैं? वही मेरा अगला निशाना है। ये लीजिए उसकी फोटो। ए, रुको रुको, ए, रुको वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ गोली मार दूंगा। रुक जाओ। ए, जैक इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ये घर वाला भाड़ा मांगे उससे पहले हमें भाग जाना चाहिए। ये क्या, बॉडी को जमता नहीं, ऐसा काम क्यों करता है? तू क्यों हंस रहा है बे? कुछ नहीं, हम लोग अपने गांव में बहुत बड़े बड़े पत्थर को बॉल की तरह उछालते थे, लेफ्ट से टच करके राइट से कैच करते थे। कैसे कैसे? लेफ्ट से टच करके राइट से कैच करते थे। लेफ्ट राइट मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा ये बताओ इसका नाम क्या है? डंबल्स। जिसमें दम नहीं होता ना उसे डंबल की जरूरत पड़ती है। अरे बाप रे, मारो मत। ये क्या, मैं घूम रहा हूँ कि धरती घूम रही है? मुझे खड़ा हुए बहुत देर हो गई है। अरे बाप रे, मुझे लगता है मुझे ज्यादा चढ़ गई है। छोटी छोटी बातें होती ही रहती है। अच्छा तुम बताओ तुम क्या कहते हो? बात बताओ, तुम ये डंबल्स उठा सकते हो क्या? क्या इसे? हाँ। इसे तो मैं छोटी उंगली से ऊपर उछाल सकता हूँ। देखो चलो देखते हैं। तुम्हें इस शेर की ताकत के बारे में अभी पता नहीं है। अभी पता चल जाएगा। ये क्या हुआ? मेरे लिए आम बात है, चल उठा ले उठा ले उठा ले। नीचे गिर जा, चलो भागो। अरे मेरा डंबल। मम्मी ने मुझे नहाते हुए देखते हैं, अभी देती हूँ, अभी देखती हूँ इनको। कमीने, तेरे मुंह में तो झाड़ू डाल दूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी इनको। ए, मेरे बाथरूम में छेद करके मुझे नहाते हुए देख रहे थे ना? अरे मैंने नहीं देखा। झूठ मत बोलो, तूने पूरा देखा है। ऐसा नहीं है, बस पीछे से थोड़ा। पीछे से क्यों? पूरा नहीं देखा इसलिए दुख हो रहा है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी करो तो शहर वाले गलत ही समझते हैं। से बच के रह संध्या, तवे लपेट कर क्या कर रही है? चल नीचे आ, तुमसे तो बाद में निपटूंगी। सब किस्मत की बात है, मेरे पूरे शरीर में तील ही तील है, लेकिन मेरे से तो एक भैंस भी नहीं पटी यार। तू तो असली मर्द है रे। छोड़ो ना मुझे, जाने दो। कब से यहाँ में आए हो? ऊपर क्या कर रही है? कहाँ ना नीचे आ, जल्दी आ। ये माँ भी ना, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, बच के रहना समझे। मुझे एक सच्चाई जाननी है। क्या जानना है तुझे? वहाँ पर क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। ज्वालामुखी की तरह आई थी, ठंडे पानी की तरह वापस गई, बताओ क्या हुआ था? अरे कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ क्या हुआ था मुझे पता चलना चाहिए। क्यों पता चलना चाहिए? Come on, tell me. गाली दर लाओ। बस क्या हुआ था? इतना सब कुछ हो गया? अरे आप तो हैं बहुत महान, आप जैसा दूसरा नहीं। भैया 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 भैया, आप तो संगीत के विद्वान हो। मैंने अपनी मूंछ निकालकर काजल से नकली मूंछ बनाई है। आपको राजकुमार लाया, मुझे सन टीवी का राजकुमार लेकर आया। वहाँ क्यों खड़ा है? इधर आना। आ रहा हूँ भाई। ला ला ला, ये लीजिए भैया जी की आरती उतारते हैं। ये कौन है यार, पोस्टर की पूजा कर रहा है? लगता है अभी अभी गाँव से आया है। ये तो बहुत बढ़िया स्वामी है, इसका झोल किया तो 5 महीने का खाने का खर्चा आ जाएगा। चल कुछ करते हैं। मैं भी आपकी तरह बड़ा संगीतकार बनना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, कौन है? इधर आओ। मुझे बुलाया? हाँ इधर आओ। आता हूँ आता हूँ। हाँ तो बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? मेरी बनाई फिल्म की आरती क्यों उतार रहे हो? क्या बोल रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, आपने बनाई है। मैं डायरेक्टर और ये कैमरामैन। अरे भाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है। ये तो चमत्कार हो गया, आप लोग मुझे रास्ते पर मिल गए। मुझे छोटा सा रोल दीजिए, मैं कमाल कर दूंगा। उसके लिए पैसे? पैसे की क्या बात है, ये सारे गहने देख रहे हैं ना आप? हाँ इधर दे, इसमें ढेर सारे पैसे हैं। ये कौन है? इसे नहीं जानते? दिखने में नहीं लगता, ये मेरे फैन क्लब का लीडर है। बिजी काम जिंदाबाद। तू सही किया। अच्छा सुनो, अच्छा लड़का है सर। एक काम करो, तुम एक बोतल दिलाओ और ये दो बोतल दिलाओ। बस इतना ही सर। हाँ हाँ चलो, ये चलो। जैक एक्सपोर्ट।
सारे डिटेल इसमें हैं। मुझे सब कुछ मिल गया है। हेलो। हेलो, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है सर। हाँ बोलो, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो जरूरी है, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दूंगा। सर मैं उस कातिल को अच्छे से जानता हूँ, मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ लेकिन आपको मुझसे मिलना। ओके ओके ओके, हाँ अच्छा ये बताओ मुझे कहाँ मिलना होगा? अभी आता हूँ, पहले ये मुझे सचिन को देना होगा। मुझे सुनसान जगह में क्यों बुलाया? वो है कहाँ? मुझे मत मारो, मैंने ही आपको फोन किया था। बोलो, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। सर सर, वो लोग आ गए हैं सर, आपके पीछे हैं सर, वो देखिए। अरे तू तो मेरा भोजन है रे, जाओ तुम लोग चले जाओ, इस पुलिस वाले को तो मैं अकेला ही खाऊंगा। आजा आजा। मुझे बेनकाब करने वाला आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। केस मैंने किसी और पुलिस ऑफिसर को सौंपा, ये सिर्फ हम ही जानते थे। फिर उसे कैसे पता चला कौन है गद्दार? सर एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर हो गया, हम उसे कैसे पकड़ेंगे सर? साइलेंस, मेरी बात ध्यान से सुन लो। हमने जो ये वर्दी पहनी है वो हमारी माँ के समान है, उसके साथ धोखा करने वाले को हम लोग जरूर सजा देंगे। माइंड इट। पूजा की थाली में पत्थर फेंका, तुझे शर्म नहीं आती? अरे आप क्यों डांट रही हो? नीचे अभी बताती हूँ तुझे, शर्म नहीं आती? लगता ये क्रैक है। वहाँ खड़ा खड़ा पोज दे रहा है, बाल्टी से थोबड़ा तोड़ दूंगी तेरा। नीचे आजा। कितना भी डांटा मुझे गुस्सा नहीं करना है। मैंने कहा नीचे आजा। पैसों के लिए तूने अपने भाई को मार दिया और उसी पैसे के लालच में मेरी सीढ़ी बनाकर मुझे मरवाना चाहता है। भाई क्या हुआ मेरे भाई, क्या हो गया? मुझे माफ कर दो भाई, मेरे किए हुए पापों की सजा मुझे मिल गई है। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत। ये सीडी है, इसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के मर्डर के सारे सबूत हैं। ये पुलिस को। कैसी आवाज है? अरे ये तो कुंफू वाला है। पैंट फट जाएगी। आ,
क्या तुम भी एक्सरसाइज करती हो? क्यों, तुम ही कर सकते हो? नहीं, तुम्हारा फिगर अच्छा है इसीलिए पूछा। सचमुच तुम्हें अच्छा लगा? अरे वो क्या कहते हैं वो साइज, 36, 28, 36 लगती है ना मेरी एकदम वही साइज। चुप रहो, एक लड़के के साथ कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हो? ए, गंदा तो तू समझ रहा है, मैं अपने फ्रेंड की बात कर रही हूँ, मतलब चेहरे की, फेस। तुम्हारे फेस की बहुत अच्छा है ना? अरे अब तुम अपनी माँ को क्यों बुला रही हो? मुझे पेट कम करना है, मुझे एक्सरसाइज सिखाओगे कि नहीं? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसके लिए इसके पीछे पड़ना पड़ता है, डिप्स मारने पड़ते हैं, ये सब तुमसे नहीं होने वाला। मैं ये सब कर सकती हूँ। तुमसे नहीं होगा यार। नहीं सिखाओगे तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम मुझे नहाते हुए छुप के देखते हो। पुलिस, 7 साल की सजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? ठीक है सिखाता हूँ। अब आया ना लाइन पर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? ओह बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है? नहीं, वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखता हूँ। आहा, ये सब मैं नहीं करूँगा। रेडी टेक के लिए तैयार हो? सर मेरी बात सुनिए। अरे सर फोटो दिखाकर चला जाऊंगा सर, प्लीज सर, प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर, एक बार मिलने दीजिए प्लीज। अरे सुनो, क्या हो रहा है वहाँ पे? सर ये आपसे मिलने की जिद कर रहा है, बोल रहा हूँ बिजी है तो भी नहीं सुन रहा है सर। भेजो उसे। ठीक है, जाओ भाई, सर बुला रहे हैं। जी सर, ये मेरा एल्बम है सर, एक चांस मिल सकता है क्या? वेरी गुड, सुपर। मैं हमेशा कॉमेडी फिल्में बनाता था, लेकिन तुम्हारा एल्बम देखकर मुझे एक्शन फिल्म बनाने का मन हो रहा है। इस फोटोग्राफ में ग्राफिक्स तो नहीं कराया तुमने? नहीं सर, ओरिजिनल है। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे तुम पर भरोसा है। वो अपना एड्रेस और फोन नंबर दे दो, तुम्हें जल्दी बुला लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जाओ जाओ जाओ। लड़का बहुत संस्कारी है, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देसी शराब बनाकर बेचता है? तोड़ दीजिए सर, सब मत मारिए सर। लेकर जाओ इसे। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर साहब हैं? हाँ मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। सर मेरा नाम राजेश है। हाँ बोलो। सर पुलिस वालों को किसने मारा है, मेरे पास उसका सबूत है सर। क्या? मेरे पास एक सीडी है सर, उसी सीडी में सबूत है। सीडी में? इस वक्त तुम कहाँ से बोल रहे हो? मंदिर के पास वाले बूथ से बोल रहा हूँ सर। तुमने क्या पहना है? पीले कलर की शर्ट पहनी हुई है और काले कलर की पैंट है सर। वहीं रुकना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, किसी को कुछ मत बताना। ओके सर। हेलो, बोल बे। शर्ट और काले रंग की पैंट। मारो सीडी, कहाँ है सीडी? अरे सीडी कहाँ है, जल्दी दे। पीली शर्ट और ब्लैक पैंट इसलिए भी पहना है, पकड़ो इसे, पकड़ो। रुको, मारो मुझे, जो चाहो कर लो। चुपचाप से सीढ़ी दे दे, वरना काट के रख दूंगा। नहीं दूंगा। चाकू दे रहा है? सीढ़ी दे रहा है कि नहीं? नहीं दूंगा। नहीं देगा सीढ़ी? सर क्या हुआ आपको? सर बताइए ना सर, सर आपको किसने मारा सर, बताइए सर क्या हुआ? ये सीढ़ी संभाल कर रखना, देखकर सब पता चल जाएगा। बताइए ना क्या बात है? जानवरों को बचाने के लिए भी संस्था है, लेकिन मनुष्य को बचाने के लिए कोई संस्था नहीं है।
नहीं भाई, इन्हें छोड़ दो, हमें किसी को भी मारने का हक नहीं है। प्लीज भाई, आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए। दिखने में तो स्कूल का बच्चा लगता है और तलवार का मुकाबला करेगा। चल निकल ले, निकल ले, निकल ले यहाँ से, निकल ले। गया? ये वहां क्या कर रहा है? अरे ये यहाँ कैसे आया? हमें पता ही नहीं चला। मारा उसने इसको? क्या पता? तू यहाँ कैसे आया? बताओ, बताओ। हाँ बोलो, कैसे मारा उसने? मार उसे। भेजा तो मार खा कर आ गए, शर्म नहीं आती। कौन था वो? पता नहीं कौन था भाई, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा लगता था। तुझे शर्म नहीं आती? 24 घंटे के अंदर वो मुझे चाहिए। मुझे वो यहाँ चाहिए, उसके पास मेरी सीडी है, मुझे वो चाहिए। जाओ, जाओ रे। चलो। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। सूर्या, कहाँ है तू बेटा? Hey, तूने इसे देखा है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। Hey, अच्छे से देखकर बता। इसे मैंने नहीं देखा। तैयार है? आ रहा हूं बहन।
ज्योति, अगले साल इसी दिन ये पूजा तुम्हारे पति के साथ करना चाहता हूँ। भैया क्यों, शादी नहीं करनी है क्या? ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अपने भाई से शर्मा रही हो, कोई लव सब है क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऊपर जाकर कौओं को खिला देना। कौए की जगह पर तो बंदर बैठा हुआ है। इस बंदर को यहाँ पर रखकर लोगों ने गलत काम किया है। ज्योति क्या है भैया, कौवे को खिला कर आती हूँ। इसी तो मैं क्या कर रही हो तुम? ये क्या किया तूने? अमावस्या के दिन कौवे को खिलाने वाला खाना तू खा गया। अगर मांगा होता तो खाना भीख में खिला देती। अरे तुम्हें झगड़ा करने की बीमारी है क्या? मैं भी तुझसे यही पूछ रही हूँ। हाँ, तो हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता है, तेरी दुश्मनी क्या है मुझसे? तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? कभी तो अकल से काम किया कर। हाँ, जवाब दे, कब से मैं बोले जा रही हूँ, अब खाली सर यूं हिला रहा है, जवाब क्यों नहीं देता तू? गूंगा है, आज तो अमावस है ना, सर्व पितृ अमावस्या। मेरे माता पिता आकर दो निवाला खाएंगे, लेकिन तू वो प्रसाद खा गया। तूने इतना भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप एक साल तक भूखे रहेंगे। तू ना कभी खुश नहीं रहेगा, रोस कर देगा। दीदी, कौवे को खिलाने वाला खाना नीचे पड़ा है। तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे 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 तो तुझे मैं देख लूंगी। तूने ही खाना नीचे गिराया होगा। ज्योति आई भैया, जल्दी आओ, भूख लगी है। तुझे तुझे तो ये कैसा लड़का है समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो। हाँ सर बोलिए। एक आदमी बैंक से पैसे लेकर आएगा, वो जो आ रहा है वही। हाँ वही, उसका बैग लेकर तुम्हें वहाँ से रफू चक्कर होना है। वो अपना आदमी है, तुम्हें बस उसका बैग छीनकर भागना है। वो भी तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारा पीछा करेगा, ठीक है ना? और जब तुम भाग कर खड़े हो जाओगे तो कैमरा तुम्हारा क्लोजअप लेगा। ओके, एक्टर की बात मानने वाला ही सच्चा एक्टर होता है। ओके मैं जाऊँ? स्टार्ट कैमरा, गो। हाय, हाउ आर यू? अच्छा मुझे भागने दे, छोड़ दो, छोड़ छोड़ो छोड़ो, कैमरा लेकर आगे चलो, पकड़ो। सर मेरी एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। लाओ ये बैग दो। अरे अरे सुनिए, अरे अरे मैंने क्या किया? अरे मैं तो एक्टिंग कर रहा था। अरे डायरेक्टर साहब, अरे ये तो नाटक था, ये लोग मुझे सच में मार रहे हैं। भगवान, किसी ने डायरेक्टर की बात नहीं मानी, मेरा तो बुरा हाल। ये क्या, तब से ब्लू फ्रेम ही चल रहा है। उसने तो कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट सीडी है। अरे पावर भी चला गया। जब देखो तब एक्टिंग ही करते रहता है। ए, छोड़ इसे। तुम्हें जलन हो रही है क्या? ये ले, मुझे गांव की मुर्गी का स्वाद चखे हुए बहुत दिन हो गए। तू इस चिकनी का चिकन बिरयानी बना। अरे मेरे भाई, क्यों खामखा बेकसूर की जान लेना चाहता है? क्यों? खूबसूरत लड़की के मिलने के बाद तू रंग बदल रहा है। भाई तो खुद ही देख लेना, इसके छोटे छोटे पैर कितने खूबसूरत हैं, जैसे किसी लड़की के गीले गीले पैर हों। इसने मेरे पैर कहाँ से देख लिए? भाई खूबसूरत बालों में एक लाल गुलाब का फूल हो तो कैसा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा ना, क्या कहते हो? अरे यार पका क्यों रहा है? गुलाब रहेगा तो बोलेगा ना, अब क्या बोलेगा ये? इसकी गर्दन तो देख, एकदम सुराही की तरह चिकनी और लंबी। इडियट, तू कभी बन गया है? तुझे गुलाब और गर्दन सुराही जैसी दिख रही है। नेक्स्ट। भाई इस खूबसूरत पेट पर एक काला तिल है, देखो तो कितना सुंदर लग रहा है वहां पर। समझ गया, अभी जो बाकी है वो भी तू बता दे, मैं बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं कहूंगा। कितना बदमाश लड़का है। इसे ध्यान से देखो, इसका वजन कम से कम 2-2.5 किलो का तो होगा। इसे लेकर मैं आया हूँ, वजन है 2 किलो 200 ग्राम। इसे पीछे से तो देखो, बहुत अच्छा लगता है। इसको तो मैं अब भी बताती हूँ। तुझे बहुत अनुभव है, ठीक है, अभी कुछ बाकी है या पूरा सुना दिया? हाँ भाई, आज बचेंगे नहीं। ज्योति, तुमने मुर्गे को नहलाकर साफ तो कर दिया, अब इसकी बिरयानी बनाकर खिला दो तो मजा आ जाएगा। कंडीशन ये है कि तुम गांव से आए हुए हो, मुझे किसी ने पैसा लेकर तुम्हें धोखा दिया। मुझे पैसे चले जाने की फीलिंग्स मुझे चाहिए। अब देखिए सर। हाँ, मेरा पैसा लेकर भाग गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सच में तुम्हारे पैसे डूब गए, ऐसी फीलिंग्स चाहिए सर। हाँ,
मैं गांव में पैदा हुआ, शहर में फिल्म बनाने आया, मेरा सारा पैसा डूब गया रे। ए सुनिया, हाँ भाई। कांति शाह से जाकर क्यों नहीं मिला रे? अरे मैं वहीं पर तो जा रहा हूँ। पैदल मत जा, अंदर जाने नहीं देंगे, ऑटो लेकर जा। हाँ ओके भाई, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हम कहाँ पर थे? बेस्ट ऑफ लक पे थे सर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। मेरे पैसे डूब गए, वहीं पर थे सर। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो, वहीं से शुरू करो। मैं करोड़पति का लड़का हूँ, शहर में आकर फिल्म बनाऊंगा ऐसा सोचकर। मैंने उसे कांति शाह के पास भेजा है, वो अच्छा एक्टर है। तुम्हें विकास झा के पास भेजना चाहता हूँ, बताओ क्या करूं? गुरु जी मुझे विकास झा के पास भेज दो। ये सब नहीं, पहले निकाल दूं ये कपड़े, निकाल दूं? नहीं नहीं, ये सब मत निकाल, पैसे निकाल, पैसे बस इतना ही ना। ए, वो पैसे थे, ये लीजिए गुरु जी पैसे। तू भी बहुत बड़ा हीरो बनेगा। फिल्मों में पैसे लगाने वाले सारे लोग कैमरे के सामने अपना थोबड़ा नहीं दिखाते। बहुत अच्छा डायलॉग था, मेरी अगली फिल्म को तुम डायलॉग राइटर हो। सच में नमस्कार, सन टीवी से हम लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। मुंबई के कांदिवली इलाके में कल दोपहर के 3 बजे स्कूल से लौटते वक्त एक लड़की मैन होल में गिर गई है। उस गड्ढे की गहराई लगभग 70 फीट है। उस लड़की को जिंदा बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की ओर से और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से पूरी कोशिश जारी है। उस लड़की को दवाई सप्लाई करने के लिए डॉक्टर की एक टीम एम्बुलेंस के साथ तैयार खड़ी है। बच्ची की माँ और उस बच्ची के साथ पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने भी खाना नहीं खाया है और वहीं पर खड़े हैं। उस बच्ची को जिंदा बचाने के लिए हिंदू मंदिरों में, चर्च और मस्जिद में सभी धर्म के लोग उस बच्ची के लिए दुआ मांग रहे हैं। मेरी बच्ची, आप सब लोग से बात ही कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। बच्ची की हालत कैसी है? अभी तक वो अच्छी स्थिति में, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। बच्ची आराम से सांस ले सके इसलिए ऑक्सीजन दिया जा रहा है। हे भगवान। की तरफ से मुंबई के कांदिवली इलाके से मैं मंजुला। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ ना। आंटी क्या हुआ इसे? कल दोपहर 3 बजे से एक छोटी बच्ची गड्ढे में गिर गई है बेटा। अब तक बाहर नहीं निकाला? नहीं निकाला, अंदर बच्ची किस हालत में कुछ पता नहीं है बेटा। हे भगवान, सब लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। कल 3 बजे से मेरी बच्ची गड्ढे में गिरी है, सब लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, इकलौती बच्ची है मेरी माँ। कोई तो बचाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचाओ कोई तो। अरे मेरी बच्ची को कोई तो बचाओ। मैं इस बच्ची को बचा सकता हूँ। तू बचाएगा? अभी अभी फायर सर्विस का एक आदमी अंदर उतरा था, उसकी हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती है, वहाँ जाके खड़ा हो जा। सर मेरी बात सुनिए सर प्लीज। सर मैं बचा सकता हूँ उसे सर। इसको ले जाना। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। सर सर आप इस रस्सी को पकड़ेंगे? अरे ये पुलिस का मैटर है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। आंटी आप तो इसे पकड़िएगा ना। नहीं नहीं, हम नहीं पकड़ेंगे। सर आप तो पकड़ो। हम नहीं पकड़ेंगे भाई, पुलिस मना करके गई है। माँ जी, 100 लोगों से भी ज्यादा ताकत एक माँ की ममता में होती है। आप इसे पकड़िए, कस के पकड़िएगा इसे, कस के। मैं जब बच्ची को पकड़ूंगा तब रस्सी हिलाऊंगा, तब आप खींचना, मैं बच्ची को जरूर बचाऊंगा। संभल कर बेटा। एक लड़का मेरी बच्ची को बचा रहा है और तुम उसी को रोक रहे हो।
खींचो खींचो ऊपर खींचो खींचो। वो बच्ची के पास पहुंच गया है, उसे नीचे उतारो, नीचे उतारो, जल्दी करो, नीचे उतारो, उतारो उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो, और नीचे उतारो, और नीचे, जल्दी और नीचे, जल्दी जल्दी और नीचे, जल्दी करो। यस सिस्टर, जल्दी से स्टेशन लेकर आओ। हां ओके। चलो चलो जल्दी करो, रास्ता जल्दी करो, रास्ता छोड़ो। चलो बेटा, तूने यहाँ आकर मेरे बच्चे की जान बचाई, मुझ पे एहसान किया, तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? माँ जी, आप मेरी माँ के समान हैं, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया। भगवान तुम्हारा भला करे। चलो रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, जल्दी जल्दी करो, चलो चलो रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, जल्दी करो, जाइए निकलिए आप लोग। 70 फीट के गड्ढे में गिरी हुई बच्ची को आपने कैसे बचाया सर? जो लोग समंदर से सीप निकालते हैं, मैं उसी परिवार का हूँ। आपने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया? जब मैंने अम्मा को रोते हुए देखा तो मुझे लगा मेरी माँ रो रही है, इसीलिए मैंने उस बच्ची को बचाया। क्लास में तो ध्यान दे के पढ़ती नहीं हूँ, और यहाँ पर ध्यान लगा कर पढ़ रही हो? कौन सी बुक है? सेक्सोलॉजी की बुक है। ये भी कोई पढ़ने की बुक है? तुझे पता है इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऊपर का होंठ बड़ा हो तो ये बहुत अच्छा होता है, और ऊपर का होंठ छोटा होने से किस लेने में मजा आता है। ए, क्या फालतू बुक पढ़ रही है तू? अरे ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बुक में लिखा है। पहले तू ये बुक बंद कर, बंद कर। तू तो इसके बारे में ही बातें करती रहेगी। चल यहाँ से, चल निकलते हैं, चल, चल। Hey, कौन है तू? कौन है? बोल, कौन है? क्या? कौन है? क्या बोल रहा है तू? दिखने में पुलिस वाला लग रहा था भाई, छे इसकी पकड़ से छुड़ाकर भाग गया। hey, उस आदमी का जिंदा रहना मेरे लिए खतरा है, उसे ऊपर पहुंचा दो। ज्योति, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? भैया, जब मैं नहा रही थी तो उसने मेरी छुप के फोटो खींची है। भैया बहुत गंदा लड़का है वो, भैया देखिए ना भैया, भैया सूर्या फोटो खींचे, क्या गलती की है सर? ए, मत मारो, मत मारो, फोटो खींचेगा सर, 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 छोड़ दीजिए, मत मारिए सर, फोटो खींचेगा, फोटो खींचेगा, फोटो खींचेगा तू, सर, 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 छोड़ दीजिए सर, 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 मेरी बात सुनिए सर, छोड़ दीजिए सर, मत मारिए सर, 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 छोड़ दीजिए सर, मेरी बात सुनिए, मारिए मत सर। मैंने क्या गलती की, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरी बहन की अश्लील फोटो खींचता है, मुझे एक घंटे का समय देता हूँ, मुझे सारी नेगेटिव चाहिए, उसके बाद तुम इस एरिया में दिखाई मत देना, अगर दिखे तो गोली मार दो। जाओ यहाँ से, जाओ। सर, एक रिक्वेस्ट थी, आप तो रियल में फाइट करते हो, मेरी फिल्म में फाइट मास्टर बनो। निकल यहाँ से, भागे। सूर्या की गलती के कारण हम लोगों को भी घर छोड़ना पड़ा। तू तो एक्टिंग करने आया था ना, फिर उस लड़की का फोटो क्यों खींचा? क्या पागल जैसी बात कर रहा है, मैं उस लड़की का फोटो क्यों खींचूंगा? तूने खींचा है? अरे नहीं खींचा, तूने खींचा है? अरे मैंने नहीं खींचा है। तूने नहीं खींचा है? मैंने नहीं, तुमने खींचा है। मैंने भी नहीं खींचा। अरे तो मैंने भी नहीं खींचा है। अगर हम दोनों ने नहीं खींचा है, कहीं इसने तो नहीं खींचा? मैंने भी नहीं खींचा। अब मैं फंसाने वाले को छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। हे ज्योति, क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है?
तैयार नहीं हुई? नहीं, जरा ये देख सूर्या ने कितना बेशर्मी का काम किया। क्या किया है? हे, सूर्या ने नहीं किया है, ये तो मैंने खींचा था। क्या तूने? हाँ, उस दिन घर में दोनों अकेले थे ना, तब खींचा था। तूने ऐसा क्यों किया? मैंने अपने भैया को उसके बारे में बताया तो भैया ने उसे बहुत मारा, यहाँ से उसे निकाल दिया। इस सब का कारण सिर्फ तू ही है। ये क्या कह रही है तू? क्या क्या तूने? तू पढ़ी लिखी है, अकल है कि नहीं तुझमें? मजाक की भी हद होती है। सॉरी भैया। कैसा सॉरी? मैंने उसे बेहद मारा है, उसने पलट कर मुझे कुछ भी नहीं कहा। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और सुनो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आता हूँ, तुम लोग उसे सॉरी बोल देना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे इलाके में आया? ए, हम लोग तुझे ही ढूंढ रहे थे। तेरी बोटी बोटी कर डालूंगा। I'm sorry. आप बड़े हैं सर, आपको ये शोभा नहीं देता। भैया, भैया, आप ठीक तो हैं ना? चलिए यहाँ से। मैंने क्या गलती की है सर? मुझे क्यों मार रहा है? लोगों को मारना गलती नहीं है क्या? ये सब करने वाले गुंडे ही होते हैं। ए, खुद को हीरो समझता है? तू मर्डर करने गया था, ऐसी कंप्लेंट मिली है। नहीं सर, ये सच नहीं है। क्यों रे, झूठ बोल रहा है? तेरी हड्डियां तोड़ूंगा तो सच बोलेगा तू। रा
मैं अभी वापस आता हूँ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। सूर्या तेरे पास है क्या? हाँ सर, मेरे पास ही है। लेने के लिए आदमी ठीक है सर, बाकी तुम देख लेना। देख लूंगा सर। फोन रख। ओके सर, थैंक यू सर। ज्योति, 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 सूर्या कहाँ है? उसे तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस? फोन लो। हेलो, पता है तुझे मेरे आदमी सूर्या के घर से सीढ़ी ले आए हैं? अच्छी बात है सर। सत्या सर, एक खटारा बाइक लो। यस सर। उसमें दो पेट्रोल बॉम्ब रखो। ठीक है सर। साथ में दो तलवार भी रखो। हाँ। सब कुछ रखने के बाद अपने एसआई को थोड़ा सा घायल करो। ठीक है सर। वो क्या है, बहुत दिनों से प्रमोशन मांग रहा हूँ, इसीलिए सूर्या को एनकाउंटर के लिए तैयार करो। चल गाड़ी में बैठ, चल। हे, बाहर निकल। सूर्या कहाँ है? तुम लोग जाओ। सूर्या, बहुत मारा है क्या? सर, कुछ ज्यादा नहीं। सॉरी सूर्या, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। सर, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं भी यही करता। बैठो बैठो। ये सब आपको सैल्यूट कर रहे हैं सर, क्या आप पुलिस ऑफिसर हैं? नहीं, सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर? हाँ सूर्या, मेरे एक दोस्त का कत्ल हुआ है, उसकी जांच के लिए मैं दिल्ली से आया हूँ। ये बताओ सूर्या, वो लोग मुझे मारने आए थे, लेकिन तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? तुम उन्हें जानते थे क्या? हाँ जानता हूँ सर। एक दिन जब मैं मार्केट से आ रहा था, वो लोग राजेश को रोड पर मारने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं राजेश को बचाने के लिए गया तो उसने मुझे एक सीडी और एक चाबी दी थी। सीडी? हाँ सर, लेकिन उस सीडी में कुछ भी नहीं था सर। भैया, इसे पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? बैठो। लीजिए भैया, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ज्योति बोलिए भैया। सूर्या को साथ ले जाओ। मैं चलता हूं। सूर्या, सूर्या, बिना वजह के वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ते, कोई ना कोई बात जरूर है, तुम्हें जरा सावधान रहने की जरूरत है। ओके ओके सर। कार्तिक सर, तुम उसके पीछे जाओगे, उसका बाल में बाका नहीं होना चाहिए। यस सर। ये किस लिए? वेट। इसलिए। अरे बाबा, धूप लग रही है, इसे सर पर रख दो। ओके, हाँ। ओके, ओके। अरे
तुमने स्कूटर क्यों रोक दी? नीचे उतरो। क्यों उतरो? पहले नीचे उतरो। अब क्या हुआ? तुम यहाँ वहाँ छोगे और मैं तुम्हें पीछे बिठा कर ले जाऊंगी क्या? सुनो, जगह जगह पर ब्रेक मारोगी तो हमारा शरीर तो टकराएगा ही ना। ये मेरी स्कूटी है, जब चाहे ब्रेक मारूंगी, जैसे मर्जी वैसे चलाऊंगी। तुम्हें जरा ध्यान से बैठना चाहिए। सुनो, तुम्हारे भाई ने घर तक छोड़ने को कहा है। मेरे भैया की बात बाद में, पहले नीचे उतरो। भरोसा करके मुझे छूने की पनिशमेंट क्या है जानते हो? 5 किलोमीटर चल के आओ। 5 किलोमीटर चलकर? सुनो, मेरे पास पैसे भी नहीं है, आऊंगा कैसे? तो दौड़ कर आओ। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे मुझे छोड़कर मत जाओ। सुनो, अरे मुझे इस शॉट में ट्रॉली रखेंगे। हाँ, ये क्लोज शॉट है और ये लॉन्ग शॉट। क्यों डायरेक्टर साहब, ऊपर देख कर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, इस कैरेक्टर के शॉट ले लेकर बहुत बोर हो गया। हमने तो कभी शॉट के लिए कैमरे में टेप नहीं डाला, इसीलिए तो जरा हटके सोचता हूँ। क्यों, बिना कैमरे के फिल्म बनाओगे? तू चुप कर, उस कैरेक्टर का नाम क्या है? कालिया। कालिया, ए कालिया, इधर आ। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है ठीक है। क्यों सर, आप इसे देखकर क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसे लेकर चला मुरारी हीरो बनने फिल्म बनाऊं। टाइटल कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा आइडिया सर। ए तुम एक काम करो, अब तक किसी ने नहीं किया है वैसा गेटअप मैं तुम्हारा करूंगा। ओके सर, तुम अपनी मुछे निकाल लो और औरत बन जाओ। ये पहले भी कर चुका हूँ सर। अरे मैं तो अपनी स्क्रिप्ट भी भूल गया। मैंने नहीं देखी। तू जा, डायरेक्टर कह रहा है ना, तू जा। ये तो ज्यादा है, कुछ भी हो नए लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा है? ए क्या बोल रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हे भगवान, लड़की के वेश में आया हूँ तो कोई मुझे भाने का नहीं। सम्मेलन में आई हुई सभी औरतों को मेरी तरफ से नमस्कार। कितनी अच्छी अच्छी औरतें बैठी हैं, क्या करूँ, डायरेक्टर से मिलने से पहले मैं भी औरत हूँ ऐसा बोलकर बेवकूफ बनाता हूँ मैं इन लोगों को, मजा आएगा। नम्रता देवी अब आप सबको 2 शब्द कहेंगी। सभी बहनों को नमस्कार। सभी बहनों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखना जरूरी है, हमेशा उन्हें दबा कर ही रखना चाहिए। हमारी इच्छा के बगैर अगर हमारे पति हम पर जबरदस्ती करें तो उन्हें ये दिखाओ। अरे रे रे रे, ये सब औरतें कितनी अच्छी लग रही है, किसी एक को सेट कर लेता हूँ। हाय आंटी। ए हाथ हटा। ठीक तो हो ना, बुढ़ी हो फिर भी जवान लग रही हो, आगे चल के देखता हूँ। अरे तुम चुप क्यों बैठी हो, मेरी प्यारी अच्छी लग रही हो, तुम भी अच्छी लग रही हो, तुम सब बुढ़ी हो लेकिन कमाल की लग रही हो। उसे देखो 16 साल की लग रही है, कौन सी चक्की का आटा खाती है, छक्का है फिर भी सुंदर लग रहा है, बहुत ही नाजुक कली लग रहा है। तुम सब में सबसे मस्त तो यही है। नमस्ते बहन। नमस्ते। इस सुंदरता का राज क्या है? क्या है ना, मेरी शादी को 20 साल हो गए और मैंने अपने पति को अब तक छूने नहीं दिया, इसलिए मैं सुंदर हूं। बहुत अच्छा नियम है, स्टेज पर आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, इसलिए मैं हार पहनाना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अभी तक जिम पार्टी क्यों नहीं आई? देख कर आती हूँ। हाय संध्या, चाबी दो। ये सब क्या है, झगड़ा हुआ? नहीं नहीं, बीच में प्रैक्टिस करने गया था और कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी, तुम चाबी दो। ओह, वन सेकंड। इसे चाबी रखने की और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? ये लो चाबी, तुम ऊपर जाओ, मैं तेल लेकर आती हूँ। कहाँ गया? छे, कोई भी चीज जगह पर नहीं होती। मम्मी, तेल कहाँ रखा है? ज्योति, ज्योति, क्या है? मालिश करने का तेल है क्या? हाँ है, थोड़ा सा दे दो ना। किस लिए? वो जो ऊपर रहता है ना सूर्या, उसके लिए। नहीं है। अभी तो बोला था है। पहले कहा था, अब नहीं है। ठीक है, मैं दुकान से ले लूंगी। सूर्या को तेल किस लिए चाहिए? ठीक है, मैं जाकर मालिश कर देती हूँ। अच्छा हुआ संध्या चली गई। मैंने तो उसके साथ झगड़ा किया है, मैं उसके सामने कैसे जाऊँ? हे भगवान। ज्योति है, आओ आओ, तुमने मेरे साथ मजाक किया था ना, आज तू फंसी है, देख मैं क्या करता हूँ।
हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी मालिश कौन करेगा? मेरी माँ भी नहीं है यहाँ पर। हे भगवान, मेरा तो यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, अब मेरी मालिश कौन करेगा? हे भगवान, ये तो बर्फ की तरह कूल लग रहा है। क्या कूल है यार, ऐसी मालिश का मजा मिले तो मैं रोज मार खाने को तैयार हूँ। इन मालिश करने वालों के हाथों में हीरे की अंगूठी होनी चाहिए। मुझे इन अंगुलियों को थैंक्स तो देना ही चाहिए, इसीलिए मैं इसे चूम लेता हूँ। क्यों, अच्छा नहीं लगा? ओह, अच्छा लगा। तुम तो बिल्कुल ही शिमला एप्पल की तरह लग रही हो, लेकिन वो ज्योति है ना, एक सड़े हुए करेले की तरह लगती है। लड़की तो फूल की तरह होनी चाहिए, लेकिन वो तो गोभी का फूल है, हर समय फटे होठों से लड़ते रहती है एक गुंडे की तरह। अरे कुछ तो बोलो संध्या। हाय जानेवन। हे ज्योति, जब तुम अंदर आई थी तब मैंने तुम्हें शीशे में देखा था। तुम अंदर आई हो, ये मैं पहले से जानता था। तुमने इतनी दिनों तक मुझे तंग किया है, एक मिनट में ही मैंने तुम्हें पकड़ के बेवकूफ बना दिया। तुम मुझे आ जाओ। अरे क्या कर रही हो, लग जाएगी मुझे। अरे मुझे चोट लगी है। अरे मैं पहले से लग गई हूं। अरे क्यों ऐसा कर रहा था भाई? ज्योति, बदमाश, मैंने इतने मेहनत से तुम्हारा मसाज किया और तुमने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। अगर दोबारा तुम ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने कभी उस संध्या को अंदर बुलाया ना और कभी उसे क्लोज बुलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी ना तो देख लेना। हाँ, मैं तेरे मैं चुम लूं, सजना सजना बाहों में तेरी मैं झूलूं, तेरे साथ हो हर पल, कल का क्या पता।
तेरे मैं चूम लूं सजना सजना बाहों में तेरी मैं झूलूं ओ तेरे साथ हो हर पल कल का क्या पता में आ गई तो क्या हुआ? उसने ये सीढ़ी जरूर देखी होगी। उसका पीछा करो। उसे मार दूं? मार दो। सूर्य अंकल, ये आपकी है क्या? जरा देखिए। ये तो राजेश ने मुझे दी थी। ओके थैंक्स बच्चों, तुम जाओ। हेलो सर, मैं सूर्या बोल रहा हूँ। सर वो गुंडे मेरे घर में घुसकर सीढ़ी ले गए हैं सर, पर राजेश की दी हुई लॉकर की चाबी मुझे मिल गई है सर। मैं अभी बैंक जाता हूँ और देखता हूँ कि उस लॉकर में है क्या, फिर आपको कॉल करता हूँ सर। तुम एक काम करो, सीधा कमिश्नर ऑफिस आ, मैं वहीं मिलता हूँ। ओके सर। क्या हुआ? इधर आओ बेटा, इस सीडी में क्या है? सर, जिसने पुलिस वालों को मारा है उस कातिल की ये सीडी है सर। क्या तुम सच बोल रहे हो? पुलिस को जिसने मारा है उस कातिल की सीडी है ये? सर, ये जैक है और ये उसके पिता, वो एक पुलिस ऑफिसर है। क्यों रे? पढ़ने को कहा तो लफंगों की तरह टाइम पास कर रहा है, ऐसे क्यों घूर रहा है? मुझे मारेगा क्या? जा पढ़, जा। चल उठ। रात भर आवारागर्दी करता है और दिन भर सोते रहता है। तुझे हॉस्टल भेजूंगा तो सुधरेगा। बड़ा होकर एक बहुत बड़ा गुंडा बन गया और उसकी इंक्वायरी करने वाले सभी पुलिस वालों को मारने लगा। सिर्फ यही नहीं सर, वो जब भी कत्ल करता है अपना वीडियो जरूर बनाता है और उसे बार बार देखता रहता है। इसी से पता चलता है कि वो कितना खतरनाक है सर। अपने ऑफिसर्स को मारा है, उसे जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं, देखते ही गोली मार देना। सर सर सर, एक मिनट सर, कातिल के बारे में आपको एक आदमी ने सीढ़ी दिया है, क्या ये सच बात है सर? हाँ सच है, उसका नाम सूर्या है। फिर उस कातिल को कब पकड़ेंगे सर? बहुत जल्द उसे पकड़ेंगे, उसका पासपोर्ट और प्रॉपर्टी हमने जब्त कर लिया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर पुलिस हमने तैनात की हुई है। पुलिस ऑफिसर का कत्ल करने वाले कातिल जैक को पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स गई थी, लेकिन जैक का कहीं पता नहीं चला। जैक की प्रॉपर्टी सील कर दी गई है और उसके साथ साथ ये भी पता चला है कि जैक ने सिर्फ पुलिस वालों का ही कत्ल नहीं किया है बल्कि उसके नक्सलाइट और टेररिस्ट ग्रुप के साथ भी गहरे संबंध हैं। जैक को पकड़ने के लिए मिलिट्री भी वहां पहुंच चुकी है। भाई, आपको देखते ही गोली मारने का आदेश हुआ है। भाई जैक
की प्रॉपर्टी सील करने की वजह से बदले की आग में जैक ने पुलिस ऑफिसरों के घर और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट जहां हथियार रखते हैं उस गोडाउन को भी बम से उड़ा दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार सरकार ने पुलिस ऑफिसरों की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है। सर, सर क्या है? सर यहाँ सूर्या कौन? मैं हूँ, बोलो। सर मेरा नाम संजय है। अच्छा, मैं फिल्म कंपनी से आया हूँ। हाँ बोलिए। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है सर, आपको okay. प्रोड्यूसर ने ऑफिस में बुलाया है सर। ओके okay, आपका भविष्य चमकने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं जरूर जाऊंगा सर, जाऊंगा सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक्स थैंक्स। मोबाइल कहाँ है? सिर्फ आवाज ही आ रही है। नीचे देख, इधर उधर ढूंढ। मिल गया मिल गया मिल गया। कान पे लगा। बेवकूफ कहीं का, फोन मुंह पे रखते हैं। कान पे लगा। मैं बिजी कान। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा डायरेक्टर बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। बोलिए सर, कैसे आदमी हो? चार दिनों से फोन नहीं उठा रहे हो। वो क्या है ना सर, मुझसे हो नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा है? पूरा बदन पंचर हो गया है। कैसा पंचर? वो क्या है कि सर आपकी फिल्म में 10 लोग हमेशा पीटते रहते हैं। मार खाने वाले लोग बड़े बनते हैं। ओहो, तो ये बात है। हॉलीवुड के होटल में लॉरेन और हार्डी और बॉलीवुड के धर्म जी स्टेशन पर सोए थे, उनकी तरह तुम्हें भी बड़ा बनना है ना? बनना है सर, जरूर बनना है सर। तो अगले सीन में तुम गेटअप चेंज करोगे, कल तुम एक पुलिस वाले की एक्टिंग करोगे। पुलिस वाला? मेरी बात ध्यान से सुनो, वो हमारी पुलिस है, तुम्हें जाकर उसे धमकी देनी है। डमी पुलिस? हाँ, बताता हूँ। सुना है वो चोर पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर घूम रहा है। अबे हट, वो जैसे ही धमकी देगा तुम्हें जूम करना है। ठीक है, शकल देख, अपनी शकल। सचमुच का पुलिस वाला समझता है अपने आप को। जरा पेट तो देख। कौन है तू? चुलबुल पांडे को देखा कि नहीं? बाजीराव सिंघम को तो देखा ही होगा, लेकिन दोनों को साथ में कभी नहीं देखा होगा। आज तू बता इस इलाके में कब से चोरी कर रहा है? तेरा बुरा वक्त आ गया है। मेरी तो हमेशा राहु की दशा चलती है, राहु की, इसलिए मुझे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस का वेश मिला है। मतलब क्या? मैं बताऊंगा, फिल्म वेस्ट हो जाएगी। किसे वेस्ट करेगा बेवकूफ? वेस्ट करेगा किसे? वेस्ट करेगा बेवकूफ? तेरी तो वेश बदल कर चोरी करने वाला तू ही है। मुझे हम असली पुलिस वाले हैं और तू हमको धमकी दे रहा है। अरे अरे डायरेक्टर साहब, कमाल करूंगा, बड़ा बनूंगा ऐसा सोचा था, फिल्म बनाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा ऐसा सोचा था, लेकिन यहाँ तो मुझे जेल की हवा खिला दी। ले चलो इसको। सर जी? मुझे प्रोड्यूसर से मिलना है, मेरा नाम सूर्या है। एक मिनट रुकिए सर, कोई सूर्या आपसे मिलना चाहता है, अंदर भेज दूं क्या? ठीक है सर, ओके, अंदर जाइए। थैंक यू। नमस्ते सर। आओ सूर्या, बैठो। ठीक है सर। अरे खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। तो तुम ही सूर्या हो? हाँ, शिवाजी जैसी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें रजनी वाला रोल तुम करोगे। उसमें फाइट कम थी, लेकिन इसमें फाइट ही फाइट है। मैं तुम्हें एडवांस दे रहा हूँ, कल तुम टाइम पर शूट पे आ जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो। मुझे यहाँ 5 साल हो गए। मुझे 8 साल हो गए। अभी तक कैमरा भी नहीं देखा मैंने। अब तक कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। सही दिन कटेंगे तो इंतजार करना पड़ेगा। करूंगा। किसने मारा? मैंने नहीं मारा। आकाश, मेरा बॉल अंदर आया है क्या? अरे छोटू अंदर आओ। ए चलो रे, अंदर आओ, बॉल देता हूँ। छोटे बच्चों ने मार मार कर नंगा कर दिया। मैंने कहा था ना जिनसे पंगा मत लो। कल वाली आंटी ने इन बच्चों के बारे में बताया था कि ये ब्लैक बेल्ट है, तब मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन ये तो सचमुच में ब्लैक बेल्ट है मेरे भाई। बहुत मारा रे, बहुत मारा। दोबारा हमसे पंगा मत लेना, समझ गया ना? सूर्या, ये तेरा भाई है। मार दो ना। सूर्या कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? ये बताओ छुटकी कैसी है? सब ठीक है, सब लोग तुझे याद करते हैं। कल शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी माँ। तुम्हारा भाई फिल्म में काम कर रहा है। बेटा मेरी पूजा सफल हो गई। मेरे पसंद का फाइट सीन है। फाइट? अरे बेटा संभल कर, फिल्म में सब मोटे तगड़े लोग होते हैं। दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करना ही स्टंटमैन का काम होता है। ऐसी बात है क्या? जो मैंने सीखा अब वो काम आएगा। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे पैदा होते ही पंडित ने कहा था कि तू हमारा नाम रोशन करेगा, और अब वो वक्त आ गया है बेटा, तेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन। तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। तेरी शूटिंग खत्म हो जाए तो अपनी माँ से भी जरा सी बात कर लेना। तेरा फोन नहीं आएगा तब तक मैं सोऊंगी नहीं, समझा? ठीक है माँ। सूर्या, हाँ बोलिए। कल से तेरी शूटिंग है, ऑल द बेस्ट। आप तो साथ आ रहे हैं ना, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कल हम दोनों को दिल्ली में कुछ काम है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। ओके, थैंक्स भाई। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। सुबह सुबह दिल्ली जाने की बात कर रहे थे और अभी तक सो रहे हैं। भाई भाई अब उठ भी जाओ, मुझे भी शूटिंग पे जाना है। अरे भाई अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं,
कल सुबह 10 बजे छुट्टी है। चल चुपचाप सो जा। अरे सो जाना भाई। सॉरी यार, तुम सो जाओ। भाई भाई, अरे ये क्या, अभी तक आप आराम से सो रहे हैं। तो क्या करूं? कुछ मत करो, शूटिंग का वक्त हो रहा है, चलो चलना है। परेशान कर देता है। ए, अभी 1 बज रहे हैं, कल सुबह 10 बजे शूटिंग है। चल चुपचाप सो जा, सो जा ना। क्या बात कर, पूरे दारू का नशा उतार दिया। भाई भाई, स्टार्ट कैमरा। अरे पकड़ो उसे, अच्छी तरह से पकड़ो। कट कट। ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है कोई भूत आया है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे इसको क्या हो गया? ऐसे क्यों चल रहा है? अरे बाप रे, बचाओ बचाओ। आहा, लगता है इसके शरीर में भूतनी घुस गई है, इसीलिए उछल रहा है। अगर वो भूतनी मेरे शरीर में घुस गई तो मैं इसके सामने जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। चलो भागो यहां से। रजनी सर, मैं पहली बार एक्टिंग करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सूर्या नहाकर तैयार हो गया, अब तो भूतनी उसके शरीर को छोड़कर चली गई होगी। सूर्या, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। ये क्या है सूर्या, शूटिंग में ऐसे कपड़े पहन कर जाओगे? इन कपड़ों में क्या खराबी है? हे भगवान, गांव वाले लगते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ, चलो चलो। काश कि मुझे भी कोई भाव देने वाली होती। सूर्या, कॉमेडियन के सीन को हमेशा बीच में ही काट देते हैं ये लोग। तो कैसा लग रहा हूँ? सुपर, लेकिन कुछ तो कमी है। नहीं किया ना? क्या मतलब? अभी बताती हूँ। क्या कर रही हो? जब तक नहीं बोलूंगी तब तक हाथ मत हटाना। अरे अरे, क्या कर रही हो तुम? अरे, क्या? अरे चुप रहो। अरे नहीं, वहाँ पर हाथ मत डालो प्लीज। अरे अरे अरे, तो मैं कैसे करूंगी? अरे अपना हाथ हटा लो। रुक जाओ, कुछ कुछ हो रहा है मुझे। अरे ऐसा मत करो। क्या कर रही हो? अब हो गया ना? इतनी देर क्यों लगा रहे हैं ये लोग? अब देखो कैसे लग रहे हो। स्मार्ट लग रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बहुत लगी। अब बताओ कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे सुनो, यहाँ जलने की बू आ रही है। हाँ आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। अब खुश हो ना? अब चलो चलो चलते हैं। सूर्या, शूटिंग में ठीक से काम करना, दिल्ली से आकर मैं मिलता हूँ। हाँ जरूर मिलेंगे। सूर्या, जैसे सिखाइए वैसे ही एक्टिंग करना, ठीक है? फाइटिंग सीन एकदम जबरदस्त होना चाहिए। चाइनीज लोग बोलने चाहिए, कौन है सूर्या, कौन है सूर्या, कौन है सूर्या, मेरा नाम रोशन करना, मेरा नाम खराब मत करना। ये तो सुन ही नहीं रहा है भाई। हाँ, इसको थोड़ी सी छूट मिल जाए ना तो मेरी वाट लगा देगा। सूर्या, क्या हुआ? फर्स्ट फाइट, उसके बाद रोमांस। छोड़ो 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 छोड़ो, चलो। हाँ, इन दोनों को अकेले छोड़ दिया तो बच्चे पैदा करके ही छोड़ेंगे। चल चल चल, अंदर बैठ, दोनों को एक साथ मेंटेन कर रहा है, बड़ा खिलाड़ी है। नमस्ते भाई। नमस्ते। तुम ही सूर्या हो ना? हाँ, नाश्ता करके मेकअप कर लो, फिर शूटिंग स्टार्ट करेंगे। ए सुनो, सर को नाश्ता दो। जाओ सूर्या। नमस्ते। आओ सूर्या, शॉट रेडी है। नमस्ते। सूर्या रेडियो ना? हाँ रेडियो सर। स्टार्ट कैमरा, रनिंग, एक्शन। यार पिछले सीन में कंटिन्यूटी में हाथ बंधा हुआ था। अरे कैसे असिस्टेंट हो, ए रस्सी से हाथ बांधो। स्टार्ट कैमरा, रनिंग, एक्शन। सूर्या तुम्हें लगा तो नहीं? नहीं सर, नहीं सर, ठीक हूँ सर। फिर से मारो। क्या सूर्या, तुमने तो बोला था कि सबको जानता हो, सिर्फ मार खा रहे हो। मार खाने की एक्टिंग करो सूर्या। फिल्म की फाइट अलग होती है और रियल फाइट अलग होती है। अभी तो ठीक से नहीं कर रहे हो।
एक्शन। क्या हुआ सूर्या, खून निकल रहा है, तुम ठीक से शॉट नहीं दे रहे हो। कर लूंगा सर, अब टेक करो, कर लूंगा। एक्शन, चारों ओर से मारो, कैमरा चारों ओर घुमाओ, बहुत अच्छा सूर्या। अरे क्या कर रहे हो, फाइट करो, मारो उसे। अगर फिल्म में काम करना है तो फिल्म की फाइट सीख कर आना जरूरी है। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे आदमियों को मार मार के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था ना, अब देख तुझे शूटिंग के बहाने बुलाकर कैसे पिटाई करते हैं। तू ही सूर्या है ना, पहले तो तुझे आग निकालने वाला सूर्या समझा था। ए, ए, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और मेरे आदमियों को मारता है तू। मैं तुझे यहीं जिंदा दफना दूंगा। मेरी जायदाद गई, मेरी खुशियां गई, इन सब का कारण तू ही है। बेटी को गड्ढे में गाड़ दो। तू अंदर तड़प तड़प कर मरेगा, मुझसे पंगा लेने वाले का यही हाल होता है, इसे इसी तरह तड़प तड़प कर मरना होगा। इधर ला।
15 मिनट हो गए हैं, अब तक मर गया होगा, वो कोई जीसस नहीं है, चलो रे। सूर्या! अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बताओगी? अरे क्या हुआ, अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ? किसी मुसीबत में है। अरे उसे कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो, धीरज रखो तुम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सूर्या मुसीबत में, मैं उसे भी मिलना चाहती हूँ। अरे सुनो तो सही, कुछ कीजिए। अरे, अरे देखो अभी 12 बजे हैं, अभी हम कहाँ जाएंगे? सुबह चलकर उससे मिलेंगे, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, उसे कुछ नहीं होगा। अरे कहाँ जा रही हो? भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करो, भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। आपके बेटे की कुंडली तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक समस्या है, अगर वो 300 किलोमीटर से दूर जाएगा तो खतरा है, और अगर वो खतरे से बच गया तो वो जरूर राज करेगा, अगर आप उसे कहीं भेजोगे तो उसकी जान को खतरा है। सूर्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे बेटा चाहिए। भैया के मोबाइल पे फोन करो और भैया से बात कर लो ना। सूर्या, सूर्या, सूर्या तू कहाँ है बेटा? सूर्या मैं बोल रही हूँ, माँ से बात करो बेटा, फोन उठाओ बेटा, अपनी माँ से बात करो। सूर्या फोन उठाओ। सूर्या बेटा, सुबह सुबह जल्दी उठने वाले का दिन भी अच्छा गुजरता है। उठो उठो सूर्या, उठ जाओ सूर्या, सूर्या सूर्या उठो, उठ जाओ सूर्या। सूर्या फोन नहीं उठा रहा है, जरूर उसे कुछ हो गया है। भगवान मैं अब क्या करूं? रात के 12 बज रहे हैं, कल सुबह 6 बजे फोन करना तो भैया जरूर फोन उठाएंगे। अभी भैया सो रहे होंगे ना माँ? मैं सचिन बोल रहा हूँ। सूर्या कहाँ है बेटा? सूर्या कहाँ है? सूर्या को फोन दो। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, वो आउटडोर शूटिंग पे है। शूटिंग पर है? हाँ, 3 दिन बाद आएगा, वहाँ पर फोन अलाउड नहीं है, इसलिए मुझे देकर गया है। वो ठीक तो है ना, शूटिंग पर है ना, आएगा ना, मुझे उससे बात करनी है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। चिंता मत कीजिए, डरिए मत, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। एक बार उससे बात करनी है मुझे। ठीक है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, जैसे आउटडोर शूटिंग से आएगा मैं खुद उससे आपकी बात करवा दूंगा, ठीक है? मुझे अपने बेटे से बात करनी है। सूर्या, डॉक्टर सूर्या की तबीयत कैसी है? डॉक्टर हम कोशिश कर रहे हैं, अब सब भगवान के हाथ में है। मेरे सूर्या को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो। शीला कम ऑन। सूर्या
इट्स ओके हाँ, वेरी गुड, अच्छा इम्प्रूव कर रहा है. तुम इसका इतने अच्छे से ख्याल रख रही हो इसलिए वो इतनी तेजी से इम्प्रूव कर रहा है. अब इस मास्क की जरूरत नहीं है. रात दिन जागकर तुमने इसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से की. अब तुम घर जाओ और जाकर आराम करो. नहीं डॉक्टर, ये जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए सब कुछ है. भैया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मुझे ही समझने में थोड़ी देरी हो रही. हेलो, योर सिस्टर हैज डन ए वेरी गुड जॉब. चिंता मत कीजिए, यह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा. ओके, थैंक यू डॉक्टर, मैं चलता हूं. सूर्या, सूर्या, कैसे हो आप तुम? मैं ठीक हूँ सर. मेरी माँ को फोन किया था सर. तुम्हारी माँ ने फोन किया था, तुम आउटडोर शूटिंग पर हो ऐसा मैंने बोल दिया. सर, मेरे दोस्तों को भी यही बोल देना सर. तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा. टेक रेस्ट. तुम्हारा भाई फोन उठाएगा या नहीं पता नहीं. माँ, सूर्या, माँ फोन ले लिया. बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ माँ. तूने इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? मैं शूटिंग में बिजी था माँ. रुक, देती हूँ ना. देख, तू रात को देर तक काम मत किया कर और नारियल पानी ज्यादा पी, शरीर में ताकत रहेगी उसे. ठीक है? घर पे पापा छुटकी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है. ले अपनी बहन से बात कर. ले बात कर. भैया कैसे हो तुम? भैया ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया. पापा घर पे है क्या? पापा दुकान पर गए. ला मुझे दे, मुझे अपने बेटे से बात करनी है. बेटा मेरी बात सुन, तू अपनी सेहत का ख्याल रखना. ठीक है. और एक्सरसाइज करते रहना. हाँ बेटा. कर रहा हूँ माँ, मैं दो दिन में फोन करता हूँ तुम्हें. ठीक है, मैं रखती हूँ. हाँ खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे. गणपति बाप्पा, मेरी सूर्या को जल्दी से ठीक कर दो. मेहरबानी करके उसे पहले जैसा कर दीजिए, कृपा कीजिए. पैर धीरे धीरे उठाओ. मेरा पैर नहीं उठ रहा डॉक्टर. कोशिश करो. बिल्कुल नहीं उठ रहा डॉक्टर. वो क्या है, तुम्हें जो चाकू लगा था वो यहाँ तक घुसने के कारण यहाँ की नस खराब हो गई है. अगर तुम वक्त पर नहीं पहुँचते तो तुम्हारा ये पैर काटना पड़ता था. कोशिश करो, जमीन पर पैर रखने के लिए तुम्हें कम से कम एक साल लगेंगे. ओके ओके, टेक केयर. सर, मैं पैर नहीं उठा पा रहा हूँ सर, मैं पैर नहीं उठा पा रहा हूँ. एक्टर बनना मेरा सपना है सर, अगर मैं नहीं चल पाया तो मैं एक्टिंग कैसे कर पाऊंगा सर? तुम हिम्मत रखो मैं कैसे कर पाऊंगा सर? मैं तुम हवा के झोंके से बुझने वाले दिए नहीं हो, दुश्मनों को जलाने वाले सूर्य हो. हिम्मत रखो, तुम करोगे सूर्या. तुम अमिताभ बच्चन को तो जानते हो ना, शूटिंग के वक्त उन्हें भी चोट लगी थी. डॉक्टर ने कहा वो नहीं बचेंगे, लेकिन वो बच गए ना. तुम्हें भी कोशिश करनी होगी और एक्टिंग करनी होगी और उनकी तरह तुम्हें भी एक सुपरस्टार बनना है. सुना तुमने? तुम भी उनकी तरह बनोगे और तुम्हें करके दिखाना होगा सूर्या. तुम कर सकते हो सूर्या. उठो, कम ऑन सूर्या, यू कैन डू इट. कोशिश करो सूर्या, तुम कर सकते हो. चलो Catch up, beat up. We're gonna make it, we're gonna make it, we're gonna make it.
सूर्य है तुझ में तू सूर्य है, आग है तुझ में तू सूर्य है। जानू में जान है, जोश भी है, आंखों में आक्रोश भी है। कोई दर्द कभी तुझे रोके नहीं, तुझे दर्द को सहना है। जिसने तुझको है गाँव दिया, उसे यूं नहीं छोड़ना है। अब वेग से बढ़ चट्टान से लड़, तू आग से तप, फौलाद में डलना है। और क्या है ताकत तेरी, शेरों के जैसी मूर्ति तेरी, जीते की सीधी दूरिया ना, ना दो रुकना ना है तुझे थकना, उड़ के चल पल हर पल, याद रख क्या है तू। तू वो शोला है जो दहकता है, तेरा तेज यार सुन, कम न हो खाले कसम, बन के लोहा तोड़ दे पत्थर, कौन टिकेगा तेरे आगे, तुझ में है वो दम। सूर्य है तुझ में तू सूर्य है, आग है तुझ में तू सूर्य है। के हुंकारा चल दे तू यारा, वीर तू वीर को डर भला किसका, अकेला सौ में तुझको कौन रोके, जोश का नाम तू नाम सच्चा कर दे। मुट्ठी में तेरी जीत है, तेरी जीत है, तेरी आग में तेरी आग जलाओ अपनी। सूर्य है तुझ में तू सूर्य है, आग है तुझ में तू सूर्य है। कोई दर्द कभी तुझे रोके नहीं, तुझे दर्द को सहना है। जिसने तुझको है गाँव दिया, उसे यूं नहीं छोड़ना है। अब वेग से बढ़ चट्टान से लड़, तू आग से तप, फौलाद में डलना है। कहाँ थे तुम लोग? सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती है, तुम लोग को पता नहीं है क्या? क्या सूर्या भी हॉस्पिटल में था? अरे हम लोग भी हॉस्पिटल में थे। क्या बोल रहे हो तुम लोग? शूटिंग के बहाने हम लोगों को दिल्ली बुलाकर हमारी एक एक किडनी निकाली सर। कोई आपकी किडनी निकालेगा तो आप हंसोगे? तुम भी बेवकूफ बनाते थे ना, तुम्हारी किडनियां निकालकर कुछ गलत नहीं किया। वैसे देखा जाए तो सबके शरीर में दो किडनी होती है। किडनी के साथ साथ तुम लोग की आँख भी निकालनी चाहिए थी। भगवान, मैंने उसे बुलाया था। सूर्या मरा नहीं है भाई, वो जिंदा है। शिट, सूर्या आई विल किल यू। हेलो माँ, मैं सूर्या का दोस्त बोल रहा हूँ। बोलो बेटा, ठीक तो हो ना? सूर्या ठीक है ना? उसके बारे में बात करनी है। क्या बात है? माँ, अगर सूर्या को जिंदा देखना चाहती हो तो आप उसे गांव वापस बुला लो। ये क्या बोल रहे हो? माँ, मुंबई के एक बड़े गुंडे के साथ अपने सूर्या का पंगा हो गया है। उसने सूर्या को बहुत मारा है। सूर्या, मेरा सूर्या कैसा है? अभी तो सूर्या बच गया माँ, लेकिन सूर्या जिंदा है। अगर ये बात उसे पता चली ना, तो वो सूर्या को जान से मारने के लिए दोबारा भी हमला कर सकता है। फिर भगवान भी नहीं बचा सकता है माँ। नहीं नहीं, हम आ रहे हैं, तब तक तुम मेरे सूर्य का ख्याल रखना। सुनिए, अरे क्या हुआ? हमारी सूर्या की जान खतरे में है, मुझे
हुआ क्या ये तो बताओ। सूर्या की जान। अरे सूर्या 300 किलोमीटर से दूर जाएगा तो उसकी जान को खतरा, ऐसा मुझे अपने गांव के ज्योतिष ने बताया था। अरे मैंने तो मना किया था लेकिन तुम्हें कहा था कि जाने दो जाने दो। आप पहले से जानते थे सूर्या पर खतरा है, ये आप जानते थे। अगर वो हमसे दूर गया तो खतरा है, ये जानते थे। सब कुछ जानते हुए भी मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? वो हो गया, अभी तो वो ठीक है ना? अभी तो वो सही सलामत है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे। अरे अभी वो ठीक है ना? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं सूर्या से मिलना चाहती हूँ। अभी क्या, चलिए। अगर वो बच गया है तो उसकी जीत जरूर होगी, तुम चिंता मत करो। नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। ठीक है, चलो और चलते हैं। चलो चलो। Dear militants and jawans, today is the day to remember the jawans who gave lives to our country. So today we are going to another families is in power. Governor, सिर्फ ये माइक ही नहीं, पूरा इलाका मेरे कंट्रोल में है। कमिश्नर स्टे बैक। पुलिस और मिलिट्री के होने से ये जैक डर जाएगा, ये सोचना भी गलत है। मैं कौन हूं और कहां से बोल रहा हूं ये जानना जरूरी नहीं है, वक्त आने पर खुद जान जाओगे। ऑडिटोरियम में चारों तरफ बॉम्ब रखे हैं। साइलेंस। गवर्नर बैठ जाओ। अगर ऑडिटोरियम में से किसी ने भागने की कोशिश की तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। Everyone of you sit wherever you are. सब बैठो। गवर्नर, मेरी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर भी मैंने अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारी सीट के नीचे भी बॉम्ब रखा। मुझे सिर्फ एक ही आदमी चाहिए, वो है सूर्या। सूर्या, वो सूर्या, वो सूर्या, वो सूर्या मुझे जिंदा चाहिए। क्यों? मैंने यहाँ पर बॉम्ब रखा है, इस पर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है ना? मैं अभी तुम लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। तुमसे कुछ दूरी पर एक कार खड़ी है, अभी उस कार को बॉम्ब से उड़ा रहा हूँ। मैं पुलिस को चकमा देता था और एक छोटे से लड़के ने मुझे चकमा दे दिया। एक घंटे का वक्त देता हूँ, एक घंटे का वक्त देता हूँ, अभी एक घंटे के अंदर उस सूर्या को मेरे पास जिंदा भेज दो, नहीं तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे वो सूर्या जिंदा चाहिए, वो नाली का कीड़ा जिंदा चाहिए। आपको सूर्या की जान बचानी है या यहाँ पर बैठे सारे लोगों की? अगर सूर्या को मेरे पास भेज दोगे तो सब लोग बच जाएंगे। हेलो, बात ध्यान से सुनो, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सूर्या कहाँ है? ओके सर, सूर्या को लेकर आता हूँ। तो चुप क्यों है बेटा, बोलना। तो हमारे साथ चल रहा है या नहीं? एक बार मौत से टकराया ना, इस बार जीत हमारी होगी। तू क्यों डर रही है? बेटे को देख लिया ना? चलो अब वापस घर चलते हैं। आप चुप रहिए जी। तुझे फिल्म में काम करना पसंद है लेकिन तू मेरी जान से बढ़कर है। हमें सब कुछ नहीं चाहिए, तू हमारे साथ चल बस। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ तुम डरो मत। पापा, अब आप ही माँ को समझाइए ना। दिमाग से सोचो तो सही है, दिल से सोचो तो गलत है। तुम्हारी माँ ने जो फैसला किया है बेटा, मैं उसे नहीं बदल सकता हूँ। सूर्या, तू हमारे साथ नहीं चलेगा? माँ प्लीज। माँ आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू चलेगा या नहीं? माँ जरा समझो ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। माँ, ये क्या है? माँ जहर। ऐसा क्यों कर रही है? तू ही नहीं रहेगा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मुझे जिंदा नहीं रहना है। उसके बाद तुझे जो करना है वो कर। माँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं हीरो किसके लिए बनूंगा? मेरे लिए तुम जरूरी हो। माँ ये जहर मत पियो। नहीं छोड़ूंगी, तू साथ चलेगा तभी छोड़ूंगी। ठीक है माँ, चल रहा हूँ। ठीक है चलो। क्या हुआ बेटा? सूर्या। क्यों सूर्या, कहाँ जा रहे हो?
सुनो सूर्या, तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें अभी कमिश्नर के पास चलना है। किस लिए बुलाया है उसे? मैं नहीं जाने दूंगी। चल सूर्या। एक जरूरी काम है, मैं खुद इसे अपने साथ लेकर आऊंगा, ठीक है? माँ, मैं जाकर आता हूँ। पापा, मैं अभी आया। चलो सूर्या। आप तो बोलिए ना जी। कुछ नहीं होगा, वो जरूर आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। जैक ने सूर्या को सौंपने की मांग की है। हमारी पुलिस सूर्या को सौंपेगी या एक्शन लेगी, उसके बारे में हमने लोगों से जानने की कोशिश की है। सूर्या को जैक के हवाले करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम लोगों की राय लेंगे। सूर्या को सौंपना चाहिए। आप बोलिए। हाँ, सौंपना चाहिए। अब सूर्या विल विन। अब आर्ट्स कॉलेज के लड़कों से पूछते हैं। सूर्या ने पहले भी अपनी जान को खतरे में डालकर उस कातिल को बेनकाब किया था। उसने दोबारा हिम्मत दिखाई तो लोगों की जान बच सकती है। अगर वो जाएगा तो हम भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। आज सूर्या को मांग रहा है, कल सुपरस्टार को मांगेगा, परसों मुख्यमंत्री को मांगेगा। फिर सरकार किस लिए है, मिलिट्री किस लिए है? उसे गोली से उड़ा दो। सूर्या के बारे में आपकी क्या राय है? गड्ढे में गिरी मेरी बच्ची को उस गड्ढे से सूर्या ने ही अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया था। मेरी बच्ची को सही सलामत बचा लिया था। आज उसकी जान को खतरा है तो मेरा पूरा परिवार उसके लिए दुआ मांगेगा। सूर्या को जैक के हवाले करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में उसके गांव के स्कूल के लोगों से पूछते हैं। लड़ने की हिम्मत, मन का संयम, कराटे द्वारा अपने दुश्मनों से लड़ने की शक्ति, भारतवर्ष के हर एक कराटे करने वाले की शक्ति और मन का संयम मिलाकर अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ हमारे कराटे परिवार का चैंपियन सूर्या विजयी भव। सूर्या जीतेगा। सूर्या जीतेगा। क्यों बेटी, तुम मुझसे नहीं पूछेगी? बोलिए ना दादी। सूर्या जैसा बेटा मेरे पेट से पैदा क्यों नहीं हुआ? उसको जन्म देने वाली माँ का मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। अगर वो मेरी कोख से पैदा हुआ होता तो कहती, जा बेटा जीत कर आ जा। साहब कहाँ है? हमारी दूसरी फिल्म के लिए नया हीरो चाहिए। उन्हें डायरेक्टर साहब पूछ रहे हैं। ये टीवी देखो साहब जी, ये लड़का तो बहुत बार विलन का चांस मांगने के लिए आया था हमारी कंपनी में। विलन का चांस मांगने आया था? हाँ। ये लो 10 लाख रुपए मेरे लिए। तेरी शक्ल के लिए कोई 5 पैसा भी नहीं देगा। सूर्या के लिए है, वो हमारी अगली फिल्म का हीरो है। हीरो है? हीरो बोला तो मुंह क्यों फाड़ रहा है? वो कौन है पता है? शेर है, शेर है वो। कल वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। अगर हमने उसे फिल्म में ले लिया तो पैसों की बारिश होगी, करोड़ों कमाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? सूर्या का अच्छा वक्त आ गया है सर। इन्होंने तुम्हें सारी बात समझा दी ना सूर्या? सूर्या तुम? मैं तैयार हूँ सर। मेरे पापा की हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में काम करूँ। मैं पुलिस बन तो नहीं पाया, कम से कम मदद तो कर सकता हूँ। इससे मुझे ही नहीं मेरे पापा को भी खुशी होगी। सूर्या, जैक एक आतंकवादी है, उसके पास तुम्हें अकेले भेजने में मुझे और मेरे पूरे डिपार्टमेंट को बहुत डर लग रहा है। डरने वाला हिंदुस्तानी नहीं होता सर। डर क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मैं जाऊँगा सर। नहीं सूर्या, जाने से पहले एक बार फिर सोच लो। सूर्या कभी सोच कर बात नहीं करता है सर, सीधा एक्शन लेता है। बारिश, धूप, तूफान, बिजली, इन सब की परवाह किए बिना हमारे देश के जवान हम सब की रक्षा करते हैं। उनके परिवार को बचाने के लिए और बाकी बेकसूरों को बचाने के लिए मुझे एक मौका मिला है सर। ये सूर्या की खुशकिस्मती है। ये सूर्या सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, किसी भी जन्म में अपने देश के लिए जान दे सकता है। सर, सूर्या की चिंता मत कीजिए, इस पे भरोसा रखिए। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। इन्हें वो कोट दे दो। इस कोट में तुम कहाँ हो ये जानने के लिए एक माइक्रो कैमरा लगा है। ऑल द बेस्ट। सूर्या, हाँ। अपनी माँ से मिल लो। सूर्या, तेरे जैसे बेटे को जन्म देकर मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा। मेरे बेटे को कोई नहीं हरा सकता। मुझे आशीर्वाद दो बेटा। सूर्या, जीत कर ही आना। सर 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 सुनिए सर, आप गवर्नर के जान बचाने के लिए जैक को सूर्या सौंप रहे हैं सर? मैं इस बारे में सर, कोई एक बात सवाल नहीं और है।
नो कमेंट्स। सूर्या सूर्या मेरी बात सुनो, सूर्या सूर्या प्लीज प्लीज जवाब दो सूर्या। सर ये लीजिए सर 10 लाख का चेक। 10 लाख रुपए किस लिए? वो क्या है सर, टीवी पेपर मीडिया में आप हीरो बन गए हैं, हमारी नई फिल्म में आप ही हीरो हैं सर, वो भी कोई साधारण हीरो नहीं, एक्शन हीरो। ये उसके एडवांस का चेक है। मैं आपके पीछे पीछे एक चांस मांगता था, लेकिन आज एक काम से जा रहा हूँ तो आप मुझे एडवांस दे रहे हैं। सभी चीजों के लिए अच्छे वक्त की जरूरत होती है सर, अभी आपका अच्छा वक्त है, ये लीजिए। नहीं मैं ये वापस आकर लूंगा। नहीं सर ले लीजिए सर, आप जीत कर ही आना सर, बैठिए सर, बेस्ट ऑफ लक सर, बाय सर। सूर्या निकल चुका है। सूर्या आ रहा है, सूर्या आ रहा है, आजा, आजा, तेरी मौत मेरे ही हाथों से होगी। तुम्हारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लो। अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है। सूर्या को मार दिया है, अब तुम सब लोगों को भी उसके पास भेज दूंगा। Oh!
जो कला मैंने सिखाई है उसे अपने अंदर छुपाऊंगा। इस कला से लोगों का भला होना चाहिए, उनके काम आनी चाहिए। 40 लोगों का भला हो इसके लिए 4 का विनाश गलत नहीं। मिलिट्री के परिवार वालों को बचाने वाला वन मैन आर्मी सूर्या ने अपना काम बखूबी पूरा किया है। सूर्या की इस बहादुरी के लिए उसे सरकार वीरता अवार्ड देकर सम्मानित करेगी। सूर्या जिस फिल्म में हीरो का रोल कर रहा है उस फिल्म का मुहूर्त बहुत जोर शोर से चल रहा है। इस फिल्म के गोल्डन स्क्रिप्ट राइटर एंड डायरेक्टर के भाग्यराज अपने हाथों से दिया जलाकर इन्होंने शुभारंभ किया है। इस पूजा में हजारों लोग शामिल हुए हैं। यूथ सेलिब्रिटी हीरो विजय ने भी आकर मुबारकबाद दी है और तमिलनाडु के हीरो सत्यराज ने भी मुबारकबाद दी है। स्टूडेंट नंबर 1 सिब्बी राज ने भी बधाई दी है। लोगों के नायक रामराज, कॉमेडी किंग विवेक, इन्होंने भी आकर बधाई दी है। कौन है वो डायरेक्टर? देखो आ गया डायरेक्टर। ये है हमारे कॉमर्शियल किंग डायरेक्टर। नमस्कार। नमस्ते। hey, कैसा है तू? हाँ तैयार है सर। और सब कैसे हो तुम लोग? अरे रहने दे। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर। हमारे आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से कहीं बड़ा होता है माँ का आशीर्वाद। तू बहुत बड़ा हीरो बनेगा, याद रखना मेरी बात। चलो रेडी रेडी स्टार्ट कैमरा एक्शन। ओके ठीक था ना सर? सब ओके था। तू तो एक्शन में कमाल कर देगा।